हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मेडिकेटेड क्रीम के बारे में कुछ जानकारी, कुछ अपना एक्सपीरियंस, और ये प्रोडक्ट मैंने कैसे यूज़ किया, इसको यूज़ करने का सही तरीका, ये सब कुछ मैं बताऊँगी आपको इस वीडियो में। एंड गाइस, ये कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं, मैंने सिर्फ खुद पे यूज़ किया है, उस तरीके की मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है गाइस टेरेटिनोइन क्रीम, USP टेरेटिन 0.05% क्रीम है। गाइस, ये क्रीम जो है स्पेशली डॉक्टर सलाह करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये क्रीम मैंने डॉक्टर की सलाह पे यूज़ करी है। प्रेजेंटेशन अलग अलग मिलता है, मतलब कि 0.05, 0.25 एंड 1%, और जब स्टार्ट करो तो 0.05% से ही आप स्टार्ट करो। ये यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी क्रीम लगाने के पहले उसके फ़ायदे ज़रूर जानना चाहिए कि ये करती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रीम सिंपली यूज़ की जाती है एक्ने के लिए। अगर आपके पिंपल हैं तो ये क्रीम पिंपल पे यूज़ की जाती है, अगर एक्ने मार्क्स हैं उस पे भी लगाया जा सकता है, फाइन लाइंस पे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पे यूज़ कर सकते हैं, एजिंग साइन है उन पे, फाइन लाइंस पे वर्क करती है ये क्रीम। बाकी ऐसे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उस पे ये वर्क करती है, लेकिन ये कुछ मेजर इश्यूज हैं उस पे ये वर्क करती है। एक चीज़ इसके बारे में कि इसका जो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं 0.05% वाली जो कंसेंट्रेशन है उसके बारे में अपनी जानकारी शेयर कर रही हूँ। ये क्रीम जो है जब शुरू करी जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटे के लिए आप इसको अपने फेस पे रखें, और जैसे आप अगर अपने फेस पे लगा रहे हो तो मात्र एक मटर के दाने जितनी ही ये फेस पे पूरे लगेगी। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको इसको लगानी है अपने फेस पे या फिर पिंपल टारगेटेड एरियाज़ में। और अगर आप नोज़ पे लगा रहे हो तो मान के चलो कि एक बूंद क्रीम ये आपकी पूरी नोज़ को कवर कर लेगी। इसकी मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें, वरना आपकी स्किन में रेडनेस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं और स्किन डार्क भी हो सकती है। ये जो है स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ करते हैं पिंपल एक्ने पे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पिंपल एक्ने की कंडीशन है वो ज़्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि ये पिंपल को पहले थोड़ा जो है बिगाड़ के सही करता है। हाँ, थोड़ा सजीव लगेगा सुन के, पहले पिंपल की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी और वेयर्ड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके पिंपल वैनिश होने लगे। एजिंग साइन की बात करें तो ये एजिंग साइन पे जब वर्क करती है तो कम से कम 4 मंथ इस क्रीम को यूज़ करना होता है। जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन बहुत कम रखनी है, मतलब कि आधा घंटे ही आप इसको रख के उसके बाद फेस को वॉश कर लें, फिर धीरे धीरे आप 45 मिनट रख सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें जैसे आपकी स्किन इससे फ्रेंडली हो जाए तो पूरे ओवरनाइट भी इसको रखा जा सकता है। पर पहले हफ्ते एक बार लगाएं, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये जो क्रीम है मैंने यूज़ करी, मुझ पर उतना अच्छा रिजल्ट इसका मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिंपल जो हैं 1 से 2 थे और वो ज़्यादा होने लगे, और मुझे उतना टाइम स्क्रीन को नहीं देना था। जब टाइम ज़्यादा देना है, चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना है, तब आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ज़्यादा बेटर है, जेल आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें, जेल थोड़ा सा स्किन को ड्राई आउट ज़्यादा कर सकता है। ये क्रीम को यूज़ करने के बाद आपको अपने स्किन केयर में सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करना होगा, अच्छे SPF के साथ, जो कि SPF 50, 30 या फिर उससे अबव आपको लेना होगा, वरना आपकी स्किन डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। ये क्रीम थोड़ी रिस्की होती है, इसको मतलब अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी बिगड़ सकता है, ज़्यादा देर लगे रहे तो भी बिगड़ सकता है स्किन, और जैसे अगर स्किन सेंसिटिव है तो भी स्किन बिगड़ सकती है। तभी इस क्रीम को यूज़ करने की सलाह सिर्फ डॉक्टर देते हैं, किसी के भी प्रिस्क्रिप्शन या किसी के भी अधूरे ज्ञान से आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ना मेरे ना किसी के, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही इस क्रीम को यूज़ करना चाहिए। ये क्रीम का रिज़ल्ट पिंपल एक्ने पे बहुत अच्छा है। अगर आप जब पिंपल को थोड़ा सा बिगाड़ के सही करने की कंडीशन में हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये पिंपल को भी कम कर देता है, उसके दाग धब्बों को भी धीरे धीरे कम कर देता है, जो कि मुझे इस क्रीम के बारे में अच्छी बात लगी। ये स्पेशली पिंपल एक्ने के लिए है, किसी किसी पे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है, और किसी किसी पे ये बहुत स्लोली रिज़ल्ट देती है, क्योंकि उनके हो सकता है पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो।
ये जो है स्किन को थोड़ा ड्राई कर देती है, थोड़ा रूखा कर देती है, रफ़ कर देती है, जो कि मुझे इसके बारे में एक ड्रॉबैक लगा। तो इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, ध्यान रखें कि इस क्रीम को यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मैंने सिर्फ एक जानकारी शेयर करी है, इसको मैंने कोई आपको मतलब रिकमेंड नहीं किया है। बस इसके आपको फ़ायदे बताए हैं, नुकसान इसका ये स्क्रीन को लगाने के, अगर आपने सही तरीके फॉलो नहीं किया, सही स्टेप फॉलो नहीं किया, तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी दे सकती है। तो ये थोड़ी सी तो मेरे अकॉर्डिंग रिस्की क्रीम है। तो ये बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क करती है, उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको यूज़ करने का, तभी आपके एजिंग इफेक्ट पे ये वर्क कर पाएगी। तो गाइज़ ये था एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर।